नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले काले कोट पहनकर वकील जो है लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नाम अधिवक्ताओं ने तहसीलदार जो है उसको कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी गई। काफी समय से मध्य प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग मध्य प्रदेश में की जा रही है, उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपते हुए उसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग अभिभाषक संघ द्वारा की गई। मध्य प्रदेश के अभिभाषक काफी लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने को लेकर संघर्षरत है और मध्य प्रदेश के समस्त अभिभाषक गण के द्वारा यह निरंतर प्रक्रिया की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया जाए, जिससे लगातार आपने देखा होगा कि देश में और प्रदेश में जो वकीलों के प्रति के खिलाफ जो हिंसक कार्रवाइयाँ हो रही है उन पर अंकुश लगाया जा सके। और उसमें हम कहीं ना कहीं सफल भी रहे हैं और सफल इस तरीके से रहे कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं आदरणीय शिवराज जी चौहान, उनने हमारी समस्या को जाना और इस समस्या को जानते हुए उनके कार्यकाल में लगभग तीन बार आज दिनांक तक लगभग तीन बार वो वर्ष 2012 से लेके आज तक वकीलों की पंचायत कर चुके हैं और 2012 से वो मध्य प्रदेश के अभिभाषक गण को ये आश्वासन देते रहे हैं कि ये जो है विधानसभा में लंबित है और बहुत जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया गया, इसलिए मध्य प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा तय किया गया कि आज दिनांकों को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी अभिभाषक संघ आते हैं वो अपने जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन प्रेषित करें, जिससे हम हमारी मांग को पुरजोर और प्रखर रूप से उठा सकें और जो मुख्यमंत्री है हमारे मध्य प्रदेश शासन के उनकी थोड़ी हमारी तरफ ध्यान जाए, उनकी नींद खुले और जो काफ़ी वर्षों से लंबित है, मतलब अब ये है कि अभिभाषक गण मध्य प्रदेश के जो हैं उनका धैर्य जो है समाप्त हो चुका है और अगर इसे अब बहुत जल्दी लागू नहीं किया गया तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अभिभाषक संघ को जो है बड़े स्तर पे कोई आंदोलन करना पड़ेगा।